हाउसिंग की अगर बात करें तो अभी देर की जैसे आपने कहा था कब खराब होने वाला है, क्या संभावना है? देखिए अभी 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा, अभी कोई मौसम खराब होने की संभावना नहीं है, लेकिन 2223 में एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो पश्चिम विक्षोभ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत पूरे प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं जिसमें मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के जो ऊपर के एरियाज हैं वहाँ पर संभावना है कि 22 और 23 तारीख को लाइट टू मॉडरेट, हल्की से मध्यम दर्जे की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मैच को लेकर अगर इस तरह बात करें, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होना है, धर्मशाला में ये मैच प्रस्तावित है, कितना साया है बारिश का उस मैच को? देखिए उस दिन इवनिंग और नाइट्स में कुछ संभावना है, हल्की सी प्रोबेबिलिटी है कि मौसम खराब हो सकता है, 40% चांस है कि उस टाइम पे जो है इवनिंग्स और नाइट्स में खासकर कि बादल और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दिन के टाइम में ठीक रहेगा मौसम, सिर्फ रात में ही थोड़ा सा मौसम खराब रहने की संभावना है, यानी कि मैच डिस्टर्ब हो सकता है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज बारिश और बहुत देर तक बारिश रहेगी, ऐसी संभावनाएं कम है, लेकिन बीच में कोई लाइट टू हल्का सा कोई शावर आ सकता है, खासकर जो इवनिंग और नाइट के टाइम में। उसके बाद क्या है मौसम की स्थिति? उसके बाद ठीक है मौसम, फिर 27 तारीख के आसपास एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा, तो बीच बीच में आपको हल्की बारिशें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी करीब एक हफ्ता तक ऐसा नहीं है कि जैसे पीछे पश्चिम विक्षोभ देखने को मिला 2 से 3 दिन, इस तरह का मौसम खराब नहीं रहेगा, लेकिन और 22 और 23 को हल्का सा जो है पश्चिम विक्षोभ जो कि ऊपरी क्षेत्रों को असर करेगा उससे जो है बर्फबारी और बारिश जरूर। तापमान में गिरावट भी दर्ज? हाँ काफी आएगी, वो टेम्परेचर ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी तापमान में कमी आएगी। केलंग में माइनस में टेम्परेचर आ गया है, 2 डिग्री सामान्य से कम है, शिमला में 9 डिग्री के आसपास है, यहाँ पे भी करीब 1 से 2 डिग्री की कमी है, तो प्रदेश के पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में लगभग जो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो है न्यूनतम कम है, सामान्य से कम है। अभी तक तो नहीं है, अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुए, टेम्परेचर में कोई विशेष अंतर नहीं है, फर्क ये है कि इस साल स्नोफॉल जो है थोड़ा अर्ली हुआ है शिमला जिले में, जो कि बहुत सालों बाद देखने को मिला है, 2004 के बाद हमने देखा कि इस साल नारकंडा में जो है पीछे स्नोफॉल देखने को मिला, अब्रप्ट जो एकदम से जो टेम्परेचर का गिरना और बर्फबारी होना ये चीजें थोड़ी सी अलग है जो आगे भी देखने को मिलेंगी, बाकी तापमान ओवरऑल ठीक चल रहे हैं, सब सामान्य के आसपास ऐसे थोड़े कम है, यानी बर्फबारी इस बार पहले हो सकती है थोड़ा। बिल्कुल ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। कुछ खास कारण मानते हैं इसके पीछे? मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन तो कारण है ही है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपने मानसून में भी देखा कि इस साल जो है काफी अलग मानसून रहा, रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए, तो इसी तरह से विंटर में भी चीजें देख सकते हैं कि आप फॉगी कंडीशन ज्यादा रह सकती है और कोल्ड वेव कंडीशन जो है बीच बीच में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, अचानक तापमान का गिरना, बर्फबारी, ये सब चीज़ें जो है इस साल विंटर में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो हमारा पूर्वानुमान है खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, इस साल सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।